हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सच होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हो। पेटीएम है और फ़ोनपे है, अमेजन है, ऐसे सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप टिकट जो बुकिंग कर सकते हो। रेल यात्री एप्लीकेशन है, तो आज हमारे पास एप्लीकेशन जिसका नाम है IRCTC रेल कॉन्टैक्ट। इस एप्लीकेशन में हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ आ पाए। सबसे पहले हम ओके करते हैं उस एप्लीकेशन पे। थोड़ा टाइम लगेगा, एक नोटिफिकेशन होता है और लॉगिन पे चलते हैं। तो इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख रहे हैं, और ये सभी इसी पे आपको मिल जाती हैं जितनी सुविधाएं होती हैं। अब यहाँ पे आपको जो आईडी है उसका आपने एक एम पिन सेट किया होता है वो डाल दें और नीचे कैप्चर फिल कर दें। अगर समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। कैप्चर डालने के बाद में थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती, नहीं तो नहीं आती जब तक। यहाँ पे देख रहे हैं कि पिन हमने डाला वो वैलिडेट हो गया, कनेक्टिंग हो रहा है जो हमारी वेरीफाई यूजर आईडी हो रही है। और सबसे पहले हमें प्लान में जोन रिप ओके करना होगा क्योंकि हमें, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं ऑलरेडी पहले से, जैसे कि ब्रह्मा लक्ष्मी मथुरा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कहाँ कहाँ टूर है। उसके बाद आप इसमें डेट जाके चूज कर लें जिस चीज डेट को आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने 7 का डाला है और सर्च ट्रेन पे ओके कर देते हैं। फिर दोबारा से एक बार उसको कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ उसको, 7 की सोमवार का है, 7 तारीख, और सर्च पे ओके किया। कई बार ऐसा होता है कि टाइम लगता है। अब यहाँ पे ये देखिए रिफ्रेश वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपको एक बार ओके करना पड़ेगा। जब ओके करोगे तो पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। हमने थोड़ा और ऊपर किया और यहाँ पे 2S वाली जो मैंने हमने देखा कि सर्च किया है अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग जाएगा, अवेलेबल है तो भी पता लग जाएगा, या वेटिंग में है, और या हो पाएगी रिजर्वेशन या नहीं, वो भी दिख जाता है। हमें थोड़ा और स्क्रॉल ऊपर नीचे करना होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है इन ट्रेनों में हमारे लिए जगह नहीं है या सीटें अवेलेबल नहीं है। तो मैं थोड़ा और स्क्रॉल ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे अब दिख चुका है कि यहाँ पे अवेलेबल है 7 तारीख का। तो एग्री पे ओके कर देते हैं। ओके किया, फिर दोबारा से एक इन्फॉर्मेशन आता है, आप ओके करते जाएं, एड पैसेंजर पे जाएंगे, यहाँ पे अपना नाम डाल दें। ज़रूरी नहीं कि जैसा आधार कार्ड में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस हिसाब से डालना चाहें आप एज डाल दें अपनी, जेंडर डाल दें मेल, और बर्थ है जो वो अपना, जब कोई पैसेंजर सिंगल होता है तो विंडोज आईडी सेलेक्ट करना चाहिए। अगर साथ में फैमिली 7-8 लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब डेस्टिनेशन मतलब आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का एड्रेस डाल दें, ठीक है। जैसे कि हम मथुरा जा रहे हैं तो मथुरा डाल दिया मैंने। उसके बाद एक पिन कोड डालना होता है, पिन कोड डालने के बाद में ऑटोमेटिक सभी डिटेल आ जाती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखा है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार चेक मार करके, ये पूरे मथुरा का एड्रेस होता है, इसमें से कोई सा भी आप कर दें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता पेमेंट मोड। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो 15 रुपये GST लगता है और UPI से करते हैं तो 10 रुपये। तो अब मैं सुझाव देता हूँ कि आप UPI से करें क्योंकि 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस दिख रहा है, उसको नो कर दें, 35 पैसे लगते हैं, फ़ायदा नहीं है, ठीक है, नो करिए। उसके बाद रिव्यू जोन पे डिटेल पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा आ चुका बुक टिकट, आप लोडिंग मान रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, अगर जिस मेल आईडी पे अगर आप मंगवाना चाहते हैं टिकट या मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं यहाँ पे बदल भी सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसीड टू पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे फेयर में जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना कितना चार्ज लग रहा है, कन्वर्स फीस कितनी लग रही है,
अगर देखना चाहे आप देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो गाड़ी सी बाउंड्री उसके नीचे आपको दिख रहे होंगे कुछ अल्फाबेट में लिखा हुआ 18FY, ठीक है, कैप्चर लिखा हुआ है, ये डालना पड़ता तभी आगे होता है, ठीक है। इसको हम फ्लिप कर लेते हैं और फेयर पे जाके देख रहे हैं कितना चार्ज लग रहा है इसके। 11.80 रुपये जो है कन्वेंस फीस लग गई प्लस GST है इंक्लूड है साथ में, ठीक है, तो 141.80 रुपये हो गया। अब यस कर देते हैं, जो एक कैप्चर इनवेड हो गया। हम दोबारा से फ्लिप कर लेते हैं, एक बार थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करते हैं क्योंकि कैप्चर कई बार गलत हो जाता है। BV18 इसको डाल देते हैं, छोटा बी ए टी, ठीक है, यस कर देते हैं। अब प्रोसीड टू पे ओके करते हैं और सिलेक्ट मेथड कर लें, भीम UPI पे ओके करते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करते हैं, पेटीएम का ऑप्शन होता है उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, SBI कहीं से भी कर सकते हैं। और पे पे ओके किया, थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए आप UPI मोबाइल नंबर डाल दें और UPI ID होती है जिसे UPI बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे @YBL ये लिखना ज़रूरी होता है, ये UPI ID का कोड होता है। हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, इसमें टाइमिंग चल जाता है, हम बीच में से बैक कर लेते हैं एक बार। और जो एप्लीकेशन है फ़ोन पे, हम जो UPI ID यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन पे में चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक पॉपअप भी आ जाता है डिस्प्ले पे, शो होने लग जाता है। अगर वो नहीं होता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर एक नोटिफिकेशन होता है वो घंटी टाइप में, उस पर ओके करेंगे। ओके किया और देखो एक पॉपअप दिख रहा है, रिक्वेस्ट आई हुई है जो 141.81 रुपये तो यहाँ पे पे ओके कर देते हैं, ठीक है। अब बैंक जो सिलेक्ट कर रहे हैं उससे करते हैं आप, और उसके बाद जब हम पासवर्ड डालेंगे तो ये ब्लैक हो जाता है क्योंकि सभी सिक्योरिटी होती है, आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर करते हो तो ब्लैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम ब्लैक हुआ था, उसके बाद ये सक्सेसफुल हो चुका पेमेंट, ठीक है। अब हम दोबारा से उसी एप्लीकेशन में जाते हैं जहाँ से हम टिकट बुक कर रहे थे, ठीक है, IRCT हेल्प कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट चल रहा है और ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं, मई अकाउंट में जा सकते हैं, मई ट्रांजैक्शन में जाके सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका सीट वगैरह, D3 बैलेंस कट चुका, ऊपर मैसेज आ गया D3, ठीक है। कोच है जो D3 है, सीट नंबर है जो वो 50 है। तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अकाउंट में आ सकते हैं और मई ट्रांजेक्शन उसमें आप आके ट्रांजेक्शन जैसे मई बुकिंग उस पर आ सकते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं या कोई कैंसिल है वो चेक कर सकते हैं, या आने वाली जो अपकमिंग है ज्वेलरी उसको चेक कर सकते हैं कब की है वो, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। अगर आपकी mail ID डली हो तो mail ID पे भी चला जाता है एक PDF, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टिकट है उसको चेक कर रहे हैं, कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ, लिस्ट चेक कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा, नेट स्लो होने की वजह से कभी कोई समस्या आती है, ज़्यादातर नहीं आती समस्या। ये जिनका नेटवर्क अच्छा काम करेगा एकदम बेस्ट चलेगा उनका। अब हम चलते हैं मेल चेक कर लेते हैं कि मेल पे आया नहीं आया टिकट, लोडिंग हो रहा है थोड़ा मैसेज, देखिए ऊपर वाला मैसेज आ चुका है, बुकिंग कंफर्म ऑन आ जाए SST अकाउंट टिकट एडमिन लिखा हुआ चुका है, इस पर ओके करते हैं। पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड दिख जाएगा, देखिए पूरे गाड़ी नंबर सब कुछ दिख जाएगा कब से कहाँ तक है। ऊपर करके थोड़ा डिटेल चेक कर सकते हैं और जूम करके भी देख सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप कहीं से प्रिंट करवा सकते हैं, आपके आसपास का जो शॉप है वहाँ से करवा सकते हैं, 10 या 15 रुपये में प्रिंट निकाल देगा कोई प्रिंट। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो 3 डॉट पर चले जाएँ, ठीक है, 3 डॉट पर जाके प्रिंट पर जाएँ, और प्रिंट पे जाने के बाद में
ये पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा, आप सेव कर लें इसको। एक अब आएगा पॉपअप, देखिए सेव एज पीडीएफ। अब नीचे फिर दोबारा से ओके करेंगे, एक बार सेव पे ओके कर दें, ये डाउनलोड भी हो जाएगा और आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।